नमस्कार दोस्तों, प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी डाइस, और डाइस का जो क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्लास बना ली है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो क्लास देख ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर उसे देखें, उसके बाद ही इस क्लास को देखने में आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले वाली क्लास में सिर्फ मैंने आपको 2 चीज़ें करवाई थी। इसके बारे में मैंने बताया था कि जो हमारे पास डाइस होती है इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो पहली थी हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी है नॉर्मल डाइस। तो जो स्टैंडर्ड डाइस है इसके मैंने 2 नियम बताए थे। पहला नियम था कि जो साथ वाली सतह होंगी, यानी कि इन्हीं को कहा जाता है संलग्न सतह, उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, जो संलग्न सतह होंगी साथ वाली, और संलग्न सतह क्या है, अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही हो तो आप एक बार जरूर इसे पहले वाली क्लास जरूर देख लें, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, और दूसरी बात कि मैंने इसमें बताया था कि जो विपरीत सतह होंगी आपकी डाइस की, विपरीत सतह उनका जो योग होगा, ये मैं इसलिए, तो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, यानी कि जो विपरीत सतह होंगी उनका योग हमेशा 7 होगा, और जो संलग्न सतह होंगी उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। और नॉर्मल डाइस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें से इस तरह कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, मतलब वहां पर साथ वाली सतहों का योग 7 हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पर 7 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके विपरीत जो सतह है इनका योग 7 हो, यह कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 7 हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और इनकी डिफरेंस क्या है कि मान लो 2 सतह होंगी 4 और 3, ये इनका जोड़ तो हो गया 7 नॉर्मल डाइस के अंदर, और हो सकता है दूसरे वाले का जोड़ आपस में सेम ना हो। यहाँ पर 5 और 1 6, 6 और 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि हो सकता है किसी एक की विपरीत सतहों का योग तो 7 आ जाए, लेकिन बाकी जो बची हुई 2 हैं इनका योग 7 ना भी आए, तो इस कंडीशन में इसको मान लिया जाएगा कि नॉर्मल डाइस है। जबकि स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या रहेगा कि इनकी सभी की सभी सतहों का योग हमेशा ही 7 रहेगा, यानी कि इसमें 6 के विपरीत 1 रहेगा, 5 के विपरीत 2 रहेगा और 4 के विपरीत 3 रहेगा, तभी इनका योग करवाने के बाद आंसर हमारा 7 आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था या समझ लिया था, और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और 2 वाला जो क्वेश्चन है इसी के 2 पार्ट बनाए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि जिस तरह से आपको ये 2 अलग अलग डाइस दिखाई गई हैं, ये होती एक ही डाइस है, और इसको क्या करते हैं कि आपको अलग अलग एंगल से दिखा दिया जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए डाइस मान के चलते हैं, कि जैसे एक डाइस है इसके ये 3 अलग अलग या 6 जो है अलग अलग इसकी सरफेस है। आपको अगर मैं इसको इस तरफ से दिखाऊं तो आप इसको ये वाली सरफेस नजर आ जाएगी, ये सरफेस नजर आएगी और ये वाली सरफेस नजर आएगी, लेकिन जैसे इसको घुमा दिया जाए तो इसकी सरफेस आपको अलग अलग नजर आएंगी। अब ये वाली नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली। इसी तरह से क्या करते हैं कि जो डाइस दी होती है उसके एंगल्स को अलग अलग घुमा करके आपको दिखाया जाता है, और होती है एक्चुअल में एक ही डाइस है, तो ये आपको एक ही डाइस को अलग अलग तरीके से घुमा करके दिखाया गया है। इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पुट होते हैं, बिल्कुल इस तरह से कि बताइए उपरोक्त जो डाइस दी गई है उसमें 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, जैसे यहां पर पूछा गया 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो इसको कुछ ही सेकंड्स में हम लोग पता लगा सकते हैं। उसका एक तरीका है, वो मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं एक प्रारूप बना लेता हूँ यहाँ पर डाइस का, कि मान लेते हैं कि एक ही डाइस है, उसके 2 अलग अलग एंगल से आपको दिखाया गया है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। अगर मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इसमें 4 के विपरीत क्या होगा,
तो बस चाहे आपसे चार के विपरीत पूछ ले, दो के विपरीत पूछ ले, तीन के या पांच के, सिर्फ एक ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, और वो है कि आपको सिर्फ इसमें पता लगाना है कि कॉमन सरफेस कौन सी है। तो कॉमन सरफेस हम लोग देख लेंगे एक बार। तो इसके अंदर कौन सी सरफेस कॉमन नजर आ रही है? तो भाई यहां पर तीन है तो यहां पर भी तीन है, इसका मतलब कॉमन सरफेस हम लोगों को मिल गई। इसमें चार और पांच है, इसमें दो और एक है, और कुछ इसमें कॉमन है नहीं। यानी कॉमन का मतलब ऐसा कोई अंक या ऐसी कोई सरफेस जो कि दोनों के अंदर मिल जाए, दोनों के अंदर सेम हो। तो अब तीन से इसको लिखना शुरू करेंगे, और तीन के बाद हम लोग इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब मैं यहाँ पे बताता हूँ। क्लॉकवाइज का मतलब होता है, आप कितना समझे, घड़ी की दिशा में या घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी दीवार की घड़ी जो है वो पूर्व दिशा की तरफ लगी तो पूर्व मान लेंगे, दक्षिण में लगी दक्षिण मान लेंगे, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि जिस तरह से घड़ी की सुई चलती है। मान लेते हैं सुई है घड़ी की, और ये चलती कैसे है भाई? इस तरह से चलती है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे कॉमन सरफेस से, कि कॉमन सरफेस है यहाँ पर तीन, तीन के बाद इधर चलेंगे तो आएगा हमारे पास अगला अंक पाँच, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला अंक जो होगा वो होगा चार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरे वाले डाइस है, इसका जो कॉमन सरफेस होगा इसको कॉमन वाले सरफेस के बिल्कुल नीचे लिखेंगे, यानी कि तीन के नीचे बिल्कुल तीन लिखा मैंने। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो अगली सरफेस है उस पर लिखा गया है दो, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा दो। और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे दो के बाद आएगा एक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक। तो बस यहीं से हमारा आंसर आ गया कि जो तीन है, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझें आप एक बार, कि पाँच जो है उसके विपरीत दो आएगा, और दो के विपरीत आएगा पाँच, चार के विपरीत आएगा भाई एक, और एक के विपरीत आएगा चार। अब कन्फ्यूजन आते हैं कि तीन के विपरीत क्या आएगा। अरे भाई एक बात समझिए, कि जब हमें पता है कि एक डाइस के अंदर एक दो तीन चार पाँच और छः ही नंबर होते हैं, छः में से हमको पता है पाँच और दो एक दूसरे के विपरीत हैं, चार और एक दो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बचा क्या है हमारे पास, तीन और छः। तो मतलब तीन जो है वो छः के विपरीत होगा और छः जो है तीन के विपरीत होगा। या इसको आप ऐसे समझे, जो सा नंबर आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है छः में से, छः के छः में से नहीं कि एक से लेकर के छः तक, वही नंबर जो होगा वो कॉमन सरफेस के अपोजिट होगा। यहाँ पर तीन के अपोजिट हो जाएगा हमारे पास छः। तो लीजिए अब आपसे किसी मर्जी क्वेश्चन का आंसर पूछ ले, आप इसका आंसर कर पाएंगे कि भाई पाँच के विपरीत क्या होगा जी, दो होगा, दो के विपरीत क्या होगा पाँच होगा, छः के विपरीत क्या होगा जी तीन होगा, तीन के विपरीत होगा छः, चार के विपरीत एक और एक के विपरीत चार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। तो लीजिए ये रहा पहला क्वेश्चन, कि बताइए पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोगों को देखना है क्या है इसके अंदर, कॉमन सरफेस। इसके अंदर क्या है, पांच है, चार है, तीन है, इसमें चार है, दो है और एक है, यानी कि हमको पता है इसके अंदर भी चार है, इसके अंदर भी चार है। शुरुआत करेंगे हम लोग कॉमन सरफेस से, फर्स्ट वाली डाइस को मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ चार। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज तो आएगा क्या, तीन। तीन के बाद जब आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज तो आएगा हमारे पास पांच। उधर से शुरू करेंगे अब दूसरे वाले डाइस में, चार के नीचे चार लिखेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन, अभी बताया था मैंने। तो चार के बाद जो अगली सरफेस आएगी वो कौन सी होगी, दो लिख देते हैं यहाँ पर। दो के बाद जो अगली सरफेस आएगी वो कौन सी होगी भाई, यहाँ पर एक, चलना हमको क्लॉकवाइज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको हम हर बार क्लॉकवाइज ही चलेंगे, हो आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो शर्त रहेगी वो ये रहेगी, अगर आप इसको क्लॉकवाइज लेकर के चल रहे हैं तो जो सेकंड वाली डाइस होगी उसको भी क्लॉकवाइज ही लेकर के चलेंगे। अगर ये वाली आप एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चल रहे हैं तो सेकंड वाली जो डाइस होगी उसको भी एंटी क्लॉक लेकर के चलेंगे, यानी कि अगर आपने क्लॉकवाइज को चुना है तो क्लॉकवाइज दोनों ही क्लॉकवाइज चलेंगी, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को चुना है तो आपको दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। इस तरह की दुविधा ना हो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको क्लॉकवाइज ही घुमा ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो हमको पता लग गया यहाँ पर कि भाई कौन सा अंक ऐसा है जो कि इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। तो हमको पता है एक है, दो है, तीन है, चार भी अवेलेबल है, पांच भी है, तो बचा क्या, छः। तो जो छः होगा वो चार के विपरीत हो जाएगा। बस अब इसको बता देते हैं, अभी चार के विपरीत हो गया छः, छः के विपरीत चार, तीन के विपरीत दो, दो के विपरीत तीन, पाँच के विपरीत एक और एक के विपरीत पाँच। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पाँच के विपरीत बताएं क्या है, तो पाँच के विपरीत आप बता सकते हैं, पाँच के विपरीत है एक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन पर।
ये देखिए यहां पर क्या है कि एक ही डाइस के आपको तीन अलग अलग से एंगल में इसको दिखाया गया है, तीन अलग अलग प्रारूप आपको दिखाए गए हैं एक ही डाइस के, एक ही पासे के। इसके अंदर कॉमन सरफेस देखें तो इसमें कॉमन सरफेस है भाई, यहां पर पांच है, एक है, चार है, यहां पर पांच है, एक और तीन है, ये क्या हुआ एकदम से? हमने देखा कि यहां पे तो दो दो कॉमन सरफेस मिल गई हमको। वाह भाई, अब क्या करें कि अब सर पांच से शुरू करें या एक से शुरू करें, इसमें थोड़ी सी दुविधा है। चलिए अगर ऐसी कोई दुविधा है तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, हम लोग इसे नेक्स्ट वाले डाइस में देखते हैं। तो इसे नेक्स्ट वाली डाइस में मैंने अब चूज कर ली सेकंड वाली और थर्ड वाली। तो भैया पांच और एक और तीन, उसमें है दो, छः और तीन, इसका मतलब दूसरी और तीसरे वाले डाइस के अंदर कोई भी सरफेस कॉमन है या नहीं है? बिल्कुल है जनाब, यहां पर है तीन, ठीक है, और यहां पर है तीन, और पांच है, एक है, छः है और दो है। चलिए यहां से सेकंड वाले डाइस से मैं उठाता हूँ कॉमन सरफेस थ्री, उसके आगे बढ़ेंगे एक, एक के बाद आगे बढ़ जाएंगे पांच, यानी कि यहाँ पे तीन मैंने से शुरू किया, उसके बाद क्लॉकवाइज गए, एक आया, एक के बाद अगला क्लॉकवाइज पांच आया, मैंने लिख दिया तीन एक पांच। वहां से कॉमन मैं उठाऊंगा तीन के नीचे लिखा तीन, तीन के बाद भाई छः, और छः के बाद ये लीजिए भाई छः, उसके बाद दो, बच गई कौन सी सरफेस भाई, बच गया यहाँ पर हमारे पास चार, तो इसका मतलब चार जो है वो तीन के विपरीत आ जाएगा। पूछ लो जी क्या पूछेंगे हमसे, पांच के विपरीत कौन सा अंक है, तो बता दो भाई पांच के विपरीत कौन सा अंक है, ये आ गया पांच के विपरीत दो। उसके बाद तीन के विपरीत क्या है, तो तीन के विपरीत आपको पता है, ये आ गया चार, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, वो क्या कि हमको सबसे पहले ये देखना है इसके अंदर कि ये जो हमारे पास डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। अगर ये एक स्टैंडर्ड डाइस हुई तो इसका मतलब है कि आपको इसमें ये वाला जो भी हम लोगों ने प्रोसेस किया है इसकी आवश्यकता नहीं होगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि देखो तीन और चार कितना हो गया भाई सात, छः और एक कितना हो गया सात, पाँच और दो कितना हो गया सात, ठीक है। और जब तीनों का ही योग साथ साथ आ रहा है, यानी कि हर एक सरफेस का विपरीत सतहों के साथ जैसे ही हम लोगों ने योग करवाया तो हमारा आंसर आ गया है सात। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डाइस है ये पासा जो है वो हो गया हमारे पास मानक पासा। तो लो जी अब आपसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमको कैसे पता लगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी क्लास नंबर एक, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। अभी हम लोगों ने दो रूल पढ़े थे, उसमें मैंने कहा था कि दो संलग्न सतहों का योग कभी भी सात नहीं होगा। तो इसमें जरा देख लेते हैं हम लोग कि पांच और एक दोनों एक दूसरे की संलग्न सतह है, तो पांच और एक का जो योग करवाएंगे तो आएगा कितना छः, यानी कि सात नहीं आया। पांच और चार का योग करवाएंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा नौ, ठीक है जी, पांच और चार नौ हो जाएगा। चार और एक का अगर योग करवाएं तो आंसर आएगा पांच, इसका मतलब इसमें जो भी हमारे पास सरफेस का योग आया है वो सात नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये लक्षण किसके हैं, ये लक्षण है, ये लक्षण है मानक पासा के, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस के। इसमें जब देखें तो पांच और एक छः होगा भाई, पांच और तीन आठ होगा, तीन और एक चार होगा, यहां पर भी सात नहीं बन रहा है। संलग्न सतहों का योग कभी भी सात नहीं होगा मानक पासा में, तो यहां पर भी ऐसा ही है, छः और दो हो जाएगा आठ, तीन और दो हो जाएगा पांच, छः और तीन हो जाएगा नौ, यानी कि यहां पर भी सात नहीं बना। तो एक ही सरफेस है और हमको एक ही डाइस है और हमको पता है कि सभी सरफेसेस जो है इसकी वो एक दूसरे के यहाँ पर जो अपोजिट होंगी उनका योग हमेशा आएगा सात। तो पांच के विपरीत क्या रहेगा भाई, दो रहेगा, और तीन के विपरीत क्या होगा, सात बनाने के लिए किस अंक की आवश्यकता होगी, तो चार की होगी, तो तीन और चार हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। चलिए अब एक बात और मैं इसमें समझाता हूं आपको कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक ही डाइस के अंदर या एक ही डाइस में दो सरफेस कॉमन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर के पांच है, इसमें भी पांच है, इसमें एक है और इसमें एक है। तो इसमें आपको समझना क्या है कि जो सरफेस बच गई ना, मान लो यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, चार बचा है इस वाली में, ठीक है, तो इधर चार बच गया, इधर बच गया तीन। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए कि जिसके अंदर दो सरफेस कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर पांच और एक है, यहाँ पर भी एक और पांच है, तो उसके बाद जो एक एक सरफेस बच जाएंगे हमारे पास, जैसे कि इसमें बच गया है चार, इसमें बच गया है तीन, तो इसका मतलब है चार और तीन एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। एक के विपरीत क्या है, पांच के विपरीत क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इससे अगली क्लास में। और उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें मुझे कमेंट करें और मैं आपके डाउट का बिल्कुल रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।